आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सेल्सियस तापमान है ना, हमसे पूछा क्या गया है वो तो विकल्प देख करके पता चलेगा। ये अ, ब, स और ये चार विकल्प दिए गए हैं द, ठीक है। अ, ब, स, द, यहाँ बोला गया है एक सापेक्ष तापमान है, एक निरपेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है या एक सन्निकट तापमान है। तो बच्चों सामने आपको जो नजर आ रहे हैं चित्र के अंदर, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो तरीके के चित्र लिए हैं। एक ये जो है ये है डिग्री सेल्सियस है ना, और ये जो है बेटा ये हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। इसमें जो खानों की संख्या होती है बेटा वो होती है 100 है ना, खानों की संख्या या फिर पाठ्यांकों की संख्या, जिसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं बेटा वो होते हैं 180 खाने होते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात ये है बेटा, ये क्या है, ये एक सापेक्ष तापमान है ना। ये कैसा है बेटा, ये एक सापेक्षिक तापमान है ना, सापेक्षिक तापमान है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो तापमान है ना, अलग अलग, जैसे कि हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, इसके अलावा केल्विन में नापते हैं, ऐसे करके ये तीनों में जब हम लोग नापते हैं तो इनके मध्य में जो संबंध होता है वो होता है सी माइनस डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा इसमें खानों की संख्या 100। यही बराबर होता है एफ, जो फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम लोग मानेंगे तो वो हो जाएगा एफ माइनस 32 बटा 180, और यही बराबर हो जाएगा हमारे पास में के माइनस 273 बटे 100 के बराबर। ये वाला इन तीनों के मध्य में क्या होता है बेटा, सापेक्षिक संबंध होता है। तो जो हमारा इसके अंदर सही जवाब जो आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा अ, बाकी के ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।